हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज वॉइस के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आखिर वॉइस होता क्या है, इसका एग्जाम में कितना उपयोग होता है, तो उन सभी बारीकियां को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आपका अभी क्लास चल रहा है, ये इंग्लिश का बेसिक क्लास चल रहा है, यानी इंग्लिश पढ़ने से पहले अभी आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर लें, ताकि जब हमारा मेन सिलेबस को पढ़े तब वहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। तो ये भी वॉइस का एक बेसिक क्लास है, मेन वॉइस आपको हम कुछ दिन के बाद पढ़ाएंगे, तो पहले वॉइस से रिलेटेड बेसिक चीज समझ लीजिए, ताकि आपको जब हम सिलेबस पर यानी मेन पढ़ाई पर है तब उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस, यानी कि इसका हिंदी में अगर मीनिंग देखे तो इसका मीनिंग होता है वाच, यानी कि वाच ग्रामर में इसका हिंदी होता है वाच। अगर आप इसका और भी मीनिंग निकालते हैं तो इसी वॉइस का एक मीनिंग होता है आवाज़, यानी जो अभी हम बोल रहे हैं। कभी कभी नहीं करते तुम्हारा वॉइस बड़ा अच्छा है रे, तो ये भी वॉइस ही होता है, मगर उसका वहाँ पर मीनिंग आवाज़ हो जाता है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। ग्रामर के दृष्टिकोण से आपको वाच पढ़ना है। आखिर वाच होता क्या है, तो ये एक हिंदी था। अब इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, आखिर वॉइस को बनाया क्यों गया। याद रखिएगा, पूरे ग्रामर में ये जो वॉइस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसीलिए होता है क्योंकि इससे बहुत सारा सेंटेंस का आपका कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर होता है। समझने का प्रयास करिएगा, ये जो वॉइस बनाया गया है इसका मकसद दो होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। हम यहाँ लिखते हैं बोर्ड पर, एक होता है बालक आपका एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। जनरली आपके क्वेश्चन में एक्टिव दिया हुआ रहेगा, आपको पैसिव बनाना होता है, मगर एक्टिव और पैसिव आपका कॉमन एरर में कैसे पूछेगा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे पूछेगा, तो उन सभी को हम अभी डिस्कस करेंगे कि काहे वॉइस बना है, वॉइस का जरूरत क्या बन दी गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, समझने का प्रयास करना है, ये लिखा हुआ है एक्टिव। एक्टिव माने आप जानबे करते हैं, हम अभी एक्टिव हैं, क्या है एक्टिव है, यानी बोल रहे हैं, एक प्रकार के एक्टिव है, कोई काम हो रहा है तो वो होता है एक्टिव। एक्टिव का तो मतलब जानबे करते हैं फुर्तीला, यानी फुर्तीला, जो काम हो रहा है उसी को कहते हैं एक्टिव। तो सर पैसिव क्या है, तो याद रखिएगा एक्टिव का उल्टा होता है पैसिव। एक्टिव का उल्टा होता है पैसिव। एक्टिव माने होता है कि जब काम हम खुद करते हैं, याद रखिएगा जब काम आप खुद करते हैं तो एक्टिव वॉइस का प्रयोग करिएगा, और जब काम किसी के द्वारा किया जाएगा तब पैसिव का इस्तेमाल करिएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ये मेरी बात को, जब कार्य हम खुद करेंगे, यानी जब कार्य कोई सब्जेक्ट करेगा, यानी जब कोई कार्य करने वाला स्वयं करेगा, तब एक्टिव वॉइस दीजिएगा। जब कोई कार्य किसी के द्वारा होगा, दूसरा के द्वारा, जब ऑब्जेक्ट पर आप जोर दीजिएगा तब पैसिव वॉइस। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो यहां समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर बात एक्टिव का होगा, अगर बात एक्टिव का होगा तो ध्यान रखिएगा काम कौन करेगा रे बहू, तो काम करेगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट खुद रहेगा, सब्जेक्ट खुद काम करेगा। मगर जब बात पैसिव का होगा तो याद रखिएगा सब्जेक्ट नहीं होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सर इतना पढ़ाए नहीं है, तो यहाँ से समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला, जिसको आप डूअर भी कहते हैं। तो डूअर फूअर याद नहीं रखना, सीधे याद रखना है। कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, अगर कार यानी कोई काम कोई चीज़ आप करते हैं, आप पढ़ते हैं, अगर खुद कर रहे हैं
तो देना ध्यान एक्टिव, काम कोई विशेष बात अगर दूसरे से ध्यान देते हैं यानी दूसरे से करवाते हैं, दूसरा चीज पर फोकस मारते हैं तब हो जाएगा पैसिव। ये बात हमेशा याद रखना, एक्टिव और पैसिव एक दूसरा का उल्टा होता है। अब सर एक और मन में बड़ा अच्छा सा बात बता देते हैं, उसको जीवन में कहीं नहीं भूलिएगा। देखिएगा सर, एक्टिव कैसे पहचानेंगे आप पैसिव कैसे पहचानेंगे, तो हम एगो चैप्टर वर्ब का पढ़ाए होंगे, याद करिएगा। चैप्टर में था एगो, हम बताए थे कि बी का फॉर्म, बी फॉर्म आठ गो होता है। कै गो होता है रे बाबू? आठ गो। अभी लिखा देते हैं कौन कौन। बी फॉर्म होता है आठ गो। कै गो होता है? आठ गो। अगर इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, देखिएगा बी का एगो फॉर्म आप बी थर्ड, तो ये हमेशा पैसिव वॉइस होता है, कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता है। अब बी का फॉर्म टोटल होता है आठ। अभी हम लिखते हैं, बताना तुम लोग, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और लास्ट होता है बींग। अगर एक्टिव से पैसिव बनाइएगा तो आठों में से कोई एगो रहेगा और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, तो ध्यान रखना वो सिर्फ पैसिव होगा। क्या होगा? पैसिव होगा। अगर बी का फॉर्म में से कोई एगो, फॉर्म के मतलब होता है रूप, यानी एकर कोई रूप में से एगो ओकरा बाद वर्ब थ्री, तो सिर्फ पैसिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस नहीं होगा। अब सेंटेंस हम लिखेंगे, तुमको बताना है एक्टिव कि पैसिव, एक्टिव कि पैसिव, और उसके बाद हम इसका यूज बताएंगे कि इसका यूज होता किस चीज में है। तो ये वॉइस का इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया, इतना काफी है। इसके बाद वॉइस का आप देखते बता दीजिएगा, एक्टिव है तो पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव है तो उसका एक्टिव कैसे बनाएंगे। एगो कहानी बताते हैं, ध्यान रखिएगा बहु। मान के चलिए यहाँ से दिल्ली जाने में आपको पड़ता है 200 रुपया भाड़ा, तो दिल्ली से यहाँ आने में भी कैसा भाड़ा पड़ेगा रे? 200 रुपया भाड़ा पड़ता है। अब ध्यान रखना एग्जाम्पल का सेंस होता है, अगर आप एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो पैसिव से भी एक्टिव जाइएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक चीज और समझिएगा, जब एक्टिव से पैसिव जाइएगा ना, जब एक्टिव से पैसिव, तो ए को बी के फॉर्म अपना मन से देना है, माने अपना मन से कि ले बहु जा रहा है तो कुछ दक्षिणा ले लो, रास्ता में कोई दिक्कत ना हो। तो जब भी एक्टिव से पैसिव, समझिएगा बात को, एक्टिव से पैसिव में जाइएगा तो ए को बी के फॉर्म अपना मन से देना है। हम यहाँ साफ से लिख देते हैं, ए को बी के फॉर्म अपना मन से देना है। ध्यान रखना ये बात, जो शब्द हमारे याद रखना, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगा। ए को बी के फॉर्म अपना मन से कि हाँ बहू जा रहा है ले ले तनका सा, एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं तो ए को अपना मन से कदी दे रहा है बी के फॉर्म, और जे वर्ब रहेगा ओकर वर्ब थ्री बना दीजिएगा, आपका पैसिव बन जाएगा। सेम उसी तरीका से जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो ए को बी के फॉर्म अपना मन से दे रहे हैं, तो जब पैसिव से एक्टिव में आइएगा तो ए को अपना मन से घटा लेना है। क्या करना है? घटा लेना है। ये बात क्लियर हो गया? अगर आज के बाद पूछे कि बताओ रे एक्टिव का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना कि जब कोई कार्य सब्जेक्ट करेगा तो वो हमेशा एक्टिव वॉइस होगा, जब कोई कार्य ऑब्जेक्ट करेगा यानी दूसरा से करवाएंगे तो पैसिव वॉइस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब कुछ एग्जांपल से तुमको समझना है एक्टिव की पैसिव, बेसिक है, बेसिक बात बता रहे हैं, ये अनरा कनरा सबको समझ में आएगा, खाली कान में सुन लेना हेडफोन लगा के, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने का, ये सिर्फ सुनने समझने का बात है, तब एग्जाम्पल को लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके बोर्ड पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आपको खाली इतना बताना है एक्टिव की पैसिव, एक्टिव की पैसिव। अब समझने का बड़ा इक्की को फॉर्मूला है, अगर बी का फॉर्म एगो रहेगा ओकरा बाद बी का तीसरा रूप रहेगा यानी वर्ब का तीसरा रूप, तो पैसिव वॉइस ना तो एक्टिव वॉइस। अब तू सब बताएगा एग्जाम्पल, हम कुछ नहीं बताएंगे। देखो आई डू दिस वर्क, मैंने यह काम, या मैं यह काम करता हूँ, या मैं यह काम करता हूँ के सेंस में ले सकते हैं। अब बताओ ये डू तुम्हारा वर्ब है, क्या उससे पहले बी का फॉर्म आया है?
तो कहिएगा सर जी बी का फॉर्म भी नहीं है और वर्ब का तीसरा रूप नहीं है, ये तो वर्ब का पहला रूप है। नहीं बी का फॉर्म है, नहीं वर्ब का तीसरा रूप है, तो ये कौन वॉइस हो गया रे बहू? तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। और जैसे ही एक्टिव वॉइस है रे तो काम कौन करेगा? वो आदमी खुद करेगा। देखिए यहाँ कर रहा है आई, तो आई डू दिस वर्क यानी मैंने यह काम करता हूँ। क्लियर हो गया। दूसरा दिस वर्क इज डन बाय मी, सबसे पहले बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? तो देखेगा एगो बी के फॉर्म में से इज एम आर में से आ रहा है नजर, आठ गो था इज एम आर, यहां हम लिख देते हैं इज एम आर वाज वर बी बीन, आई वो अंतिम वाला था बीन, ये आठ गो के बाद ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप रहेगा तो पैसिव वॉइस होता है। कौन वॉइस होता है रे? पैसिव वॉइस। देखो बी का एगो फॉर्म तो है ये है आ ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप है, इसका मतलब ये हो गया पैसिव वॉइस। यानी अब जैसे ही पैसिव है तो काम खुद न करेगा, काम सब्जेक्ट न करेगा, काम ऑब्जेक्ट करेगा। देखिए क्या सब्जेक्ट दिस वर्क हो सकता है? दिस वर्क यह काम, अब यह काम है तो खुद कर लेगा, मान के चलो यह काम है वो खुद कर लेगा। तो मन में विचार सर जी यह काम जब भी कोई करेगा दूसरा आदमी करेगा, तो एकदम सही बात, जब काम दूसरा आदमी से कराना हो तो कौन वॉइस रे? पैसिव वॉइस। एग्जांपल भी सही था, यहाँ दो तरीका से समझ रहा है, एगो तो पहला एक्टिव और पैसिव पहचानना है और दूसरा एक्टिव आया तो काहे आया, पैसिव आया तो काहे। तुरा लग रहा है सब आसान क्वेश्चन है, जब इसका प्रैक्टिस करवाएंगे तब पता चलेगा कि इतना हार्ड हार्ड बात बता दिए हैं। देखो आई पनिश्ड माय चाइल्ड, मैं अपना बच्चा को क्या किया हूं? दंडित किया हूं, उसको सजा दिया हूं। तो ठीक है सजा कौन दिया है? सर जी सजा हम दिए हैं, आई दिए हैं। और जब काम आई करेगा सब्जेक्ट करेगा तो कौन वॉइस? एक्टिव वॉइस। देखो यहाँ वर्ब के कैमा रूप दे रखा है रे? वर्ब के दूसरा रूप दे रखा है। क्या उससे पहले बी का फॉर्म आया है? तो कहिएगा सर जी बी का फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब कौन वॉइस रे? एक्टिव वॉइस। क्लियर। और जैसे ही एक्टिव वॉइस आया था काम हम खुद करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल माय चाइल्ड वाज पनिश्ड, मेरा बच्चा किसी के द्वारा पनिश किया गया है। अब आपका बच्चा मान के चलिए हमार बच्चा रहेगा तो हम क्या खुदे से अपना दंड ले लेगा? आप हैं पढ़ रहे हैं, क्या आप खुद अपने आप को सजा दे सकते हैं? सजा कोई दूसरा देगा, कोई दूसरा से करवाएगा। यानी काम सब्जेक्ट पर जोर नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर जोर हो रहा है। और जब ऑब्जेक्ट पर जोर होगा तो पैसिव वॉइस। देखो एगो बी का फॉर्म तो है ये है बी फॉर्म, ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप है। कौन रूप है रे? तीसरा रूप है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बताना है ये कौन वॉइस है, इधर लिख देते हैं पैसिव वॉइस है। अब यहाँ समझिएगा आई क्लोज्ड द डोर, मैंने दरवाजा को बंद कर लिया है। क्या कर लिया है रे? बंद कर लिया है दरवाजा। तो दरवाजा कौन बंद किया है? तो सर आई किया है। और जैसे ही आई किया है तो आदमी व्यक्ति स्वयं है, हम खुदे दरवाजा बंद किए हैं तो एक्टिव वॉइस। देखिएगा एगो तो वी टू नजर आ रहा है, क्या उससे पहले बी का फॉर्म नजर आ रहा है रे बहू? तो कहिएगा सर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ही एक्टिव हो गया। चेक कर लीजिए। अब ये बताओ द डोर क्लोज्ड एग्जांपल सही है 6 नंबर की गलत है? द डोर क्लोज सोचिएगा दरवाजा अपने से बंद हो जाएगा। अब फिल्म वाला बात नहीं है कि सर जी हवा बहेगा तब बंद हो जाएगा, वो सब बात यहाँ नहीं होता है, वो सब बात फिल्म में होता है। अब सोचिएगा दरवाज़ा जब बंद करेगा दूसरा आदमी करेगा कि खुद बंद हो जाएगा? तो कहिएगा सर जी खुद तो बंद नहीं होगा, जब खुद बंद नहीं होगा तो एक्टिव होना चाहिए कि पैसिव? तो कहिएगा सर ई वाला सेंटेंस जो होना चाहिए था ना ई पैसिव में होना चाहिए था। कौन में होना चाहिए रे? पैसिव में होना चाहिए था। क्या यह पैसिव है?
तो कहिएगा सर बी के फॉर्म तो है ही नहीं है, तो पैसिव कैसे हो गया? तो द डोर क्लोज गलत है, यहाँ पर तुमको क्लोज के काट का चाहे तो इज लिख लो चाहे तो वाज क्लोज कर दो, दोनों में से कोई सही है। इज क्लोज, द डोर इज क्लोज या द डोर वाज क्लोज, दरवाजा बंद किया गया, माने दरवाजा अपने बंद नहीं हुआ दूसरा से, और जब दूसरा से हुआ तो हमेशा पैसिव वॉइस एक्टिव नहीं होगा। अब अगला देखो, द स्कूल क्लोज्ड बाय द प्रिंसिपल। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्कूल प्रिंसिपल को बंद कर देगा कि प्रिंसिपल स्कूल को बंद करेगा? तो दिमाग में आया सर स्कूल प्रिंसिपल को बंद नहीं करेगा, जब बंद होगा तो प्रिंसिपल स्कूल को बंद कर सकता है, माने जो उस स्कूल का प्रिंसिपल होगा स्कूल को बंद करवा सकता है, कोई बड़का बात नहीं है, मगर स्कूल नहीं। तो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, जब काम करना चाहिए ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए था टेंस पैसिव में, क्या ये पैसिव है? तो कहेगा सर जी पैसिव नहीं है, ये तो एक्टिव है, खाली वर्ब का दूसरा है, बी का फॉर्म नहीं है। तो हियाँ अपना मन से या तो एगो बी का फॉर्म इज दे दो चाहे वाज दे दो, अगर प्रेजेंट में ले जाना है तो इज दे देना, और पास्ट में ले जाना है तो वाज दे देना। समझ में आ गया रे बाबू? तो कहेगा यस सर समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, द प्रिंसिपल क्लोज द स्कूल, प्रिंसिपल जो है स्कूल को क्लोज करवा दिया है, तब एगो चीज सोचो, क्या प्रिंसिपल स्कूल को बंद करवा सकता है? तो मन में अस्थिर से सोचे कि यस सर प्रिंसिपल तो स्कूल को बंद करा सकता है, यानी ये वाला सेंटेंस को हम पैसिव में नहीं ले जा सकते, एक्टिव में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल खुद ही काम करेगा, और काम जब सब्जेक्ट करेगा तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए, तो एक्टिव ई वाक होना चाहिए था एक्टिव, पैसिव में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए क्या इधर देले है वी टू, क्या उससे पहले एक को बी का फॉर्म है? तो कहिएगा सर जी नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी एक्टिव में है, इसको पैसिव में ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक वो तन्नी को बात और है से हम बता देते हैं तू लोग को कि सर जी वी टू को कब पहचानेंगे और वी थ्री को कब पहचानेंगे। तो देखिएगा वी टू को कब पहचानिएगा और वी थ्री को कब पहचानते हैं, वी टू और वी थ्री पहचानने का तरीका बता देते हैं, इन्हें साइड में लिखते हैं। अगर वर्ब का कोई दूसरा रूप होगा तो उसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, उसे पहले हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आ सकता है, जीवन में याद रखना। अगर वर्ब का तीसरा रूप है तो उससे पहले एगो हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अगर वर्ब का दूसरा रूप है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, अगर वर्ब का तीसरा रूप है तो उससे पहले एच बी के मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा करेगा। अब बताओ रे पनिश्ड वी टू है कि वी थ्री? तो देख कर बताएगा सर पनिश से पहले एक को हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये वी टू। यहां देखो पनिश्ड वी टू की वी थ्री, तो उससे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब वाज आ गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वी थ्री। अब यहां देखो क्लोज्ड, क्लोज का मतलब होता है बंद किया गया, क्या उससे पहले एक को हेल्पिंग वर्ब है रे? तो कहेगा सर जी नहीं है, जब नहीं है तो ये हो गया वी टू। यहाँ देखो क्लोज से पहले हम इज चाहे वाज दे दिए वो हेल्पिंग वर्ब, तो ये होगा वी थ्री। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज का क्लास जो था आपका वॉइस का बेसिक क्लास था, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे वॉइस का अगले पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सबको लाइक करिएगा, सब लाइक करेगा, और कमेंट बड़ा बहुत ही कम आता है वीडियो पर, तो कमेंट करिएगा, डाउट क्लियर करिए, सबसे बड़ा होता है डाउट, तो कमेंट करके डाउट पूछना है मन में जितना चल रहा है विचार। आई वीडियो को शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा इस चैनल के साथ, धन्यवाद।